खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, और बिना समस्याओं के जिंदगी जिंदगी ही क्या है। सो समस्या की बात आ रही है तो मेन समस्या भी हम लोग के सामने है, कोरोना वायरस। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो है जनता कर्फ्यू के लिए बोला था सबको, तो होपफुली आप सब जो है घर में होंगे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस कोरोना के जंग में सब साथ मिलकर के काम कीजिए। प्रधानमंत्री के बातों का पालन कीजिए और जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं निर्देशों का पालन कीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सो कोरोना की महामारी की जो जंग है उस जंग में हम लोग जल्द ही जीत पाने वाले हैं। सो आज का जो क्लास है धैर्या क्लासेस का क्लास, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में। तो जैसे हमने देखा था टाइप ऑफ कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट्स, तो उसी क्रम में एक्टिव कंपोनेंट्स, तो एक्टिव कंपोनेंट्स को परिभाषित कैसे करेंगे, दे आर कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रवर्धित करने की क्षमता रखता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स आपका है दे आर केपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स को कैटेगराइज करेंगे तो लेट अस सी द एक्टिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स को मेनली मैंने चार भागों में बांटा है, तो चौथा मैंने छोड़ दिया है, वो लास्ट में देखेंगे कि चौथा क्या है करके, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे। तो फर्स्ट वन इज डायोड, सेकंड वन इज ट्रांजिस्टर्स, थर्ड वन इज स्पेशल डिवाइसेस, देखेंगे कौन कौन से स्पेशल डिवाइस यूज होते हैं, और फोर्थ वन इज आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी। सो देखते हैं डायोड्स, तो डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मेन कैटेगराइजेशन पढ़ लेते हैं कि अगर मेनली अगर एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में लिखने के लिए आया तो फर्स्ट आप डेफिनेशन लिखेंगे उसका, हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, केवल इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिए, देन उसके बाद उसको इस टाइप का कैटेगराइजेशन करेंगे। कैटेगराइजेशन आपको दूसरे बुक में कुछ और के हिसाब से मिल सकते हैं, मैंने फॉलो किया है भार्गवा की बुक को, उसके हिसाब से मैंने इसका कैटेगराइजेशन देखा है। तो कैटेगराइजेशन में डायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स है, स्पेशल डिवाइसेस है, और आपका आईसी है। तो डायोड्स है, तो डायोड में मेनली जो है पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, टनल डायोड, और आपका हो जाएगा शॉटकी डायोड, वैरेक्टर डायोड। जितने डायोड हैं आप और डायोड के नाम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एटसेक्ट्रा लिख दिया इत्यादि, इतने सारे डायोड हैं और डायोड के नाम आप लिख सकते हैं। ट्रांजिस्टर को मेनली हमने दो भागों में बांटा हुआ है, फर्स्ट वन इज बीजेटी, सेकंड वन इज फेट। फेट फुल फॉर्म की बात करूं तो बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर, दो पोलारिटी होगा उसमें, देखेंगे हम लोग कौन कौन से पोलारिटी के इसमें होते हैं सिग्नल, पॉजिटिव नेगेटिव होता है मेनली, जंक्शन जिसमें जंक्शन हो, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। फेट है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके दो टाइप होते हैं इसमें, एक होते एक को बोलते हैं पीएनपी और दूसरे को बोलेंगे एनपीएन, दो टाइप हो गया। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को फिर से इसके दो टाइप हैं, एक को बोलेंगे जेफेट और दूसरे को बोलेंगे मॉसफेट। फिर से आया जेफेट, जेफेट का फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फर्दर जो है जेफेट है, जेफेट को फर्दर हम लोग दो भागों में बांटेंगे, उसमें आपका चैनल रहेगा, दो प्रकार के चैनल होंगे, एन चैनल और पी चैनल। मॉसफेट को दो भागों में फिर बांटेंगे, एक को बोलेंगे डिप्लेशन और एक को बोलेंगे इन्हांसमेंट। डी मॉसफेट बोलते हैं, डिप्लेशन इन्हांसमेंट दोनों की तरह काम करता है, इसलिए इसको डी बोलते हैं। ये डिप्लेशन मोड में और इन्हांसमेंट मोड दोनों में काम करेगा, तो इसको कभी कभी डी मोड बोलते हैं और इसको केवल ई मोड बोलते हैं, या फिर बोल रहे हैं ई ओनली, इन्हांसमेंट ओनली, डिप्लेशन इन्हांसमेंट दोनों मोड में काम करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे पी चैनल और ये है फर्दर एन चैनल। सेम टू सेम यहाँ पे पी चैनल,
और यहाँ पे है एन चैनल, एन चैनल। तो ये आपका फर्दर क्लासिफिकेशन है ट्रांजिस्टर्स का, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग लाइन टू लाइन। स्पेशल डिवाइसेस, स्पेशल डिवाइसेस में एक होता है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी बोला जाता है उसको, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो फुल फॉर्म इज यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो सेकेंड वन इज आपका है SCR, SCR, SCR का फुल फॉर्म देखिए, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो फुल फॉर्म आप SCR इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। थर्ड वन है आपका फोटो ट्रांजिस्टर्स, स्पेशल कैटेगरी में फोटो ट्रांजिस्टर्स। और आपका है CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एटसेट्रा इत्यादि। और ये IC है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मोर ट्रांजिस्टर्स, मेनी मोर डायोड्स इन सिंगल IC पैकेज। इस टाइप का छोटा सा IC रहेगा, जैसे ये 555 IC की बात करूँ तो इसमें कितने रहेंगे, 8 पिन रहेंगे इस टाइप के। ये 555 की बात करूँ तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो IC एक छोटा सा है। माइक्रोप्रोसेसर 8085 जैसे है, उसका छोटा सा IC, 8086 का उसका IC रहेगा, उसमें 40 पिन रहेंगे। तो देखेंगे फर्दर IC के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में। सो ये आज का जो सिंपल एक छोटा सा क्लास था एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में। तो एक्टिव कंपोनेंट्स को आप फर्दर इस टाइप का डिवाइड कर सकते हैं, इस टाइप का कैटेगरी वे में लिख सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है आपका एक्टिव कंपोनेंट्स, ऊपर में कंपोनेंट्स लिख देंगे तो दो कंपोनेंट्स में भाग उसको बांटेंगे, पैसिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव आपने देख चुका है R, L और C, और एक्टिव आज के क्लास में ये है एक्टिव कंपोनेंट्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स के बारे में और उसके कलर कोडिंग के बारे में। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।